नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन दवा के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे और एक बेहतरीन दवा जो कि सर्दी में आपका बहुबी साथ देगा, बहुत बढ़िया, आपको बहुत सारे बीमारियों से रिलीफ देगा। दवा का नाम है हाइड्रास्टिस। जी हाँ दोस्तों, ये दवा के बारे में आप जानते होंगे, आमतौर पर लीवर के प्रॉब्लम के लिए और उससे एसोसिएटेड दूसरे प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हमने भी जब लीवर का कॉम्बिनेशन बताया था उसमें इस दवा का मदर टिंचर एक घटक के रूप में यूज करने का, मिक्स करने का बोला था, बहुत सारे वीडियोस में बोला भी है और आपने इसको यूज किया होगा, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। लीवर गॉलब्लैडर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम में बीमारी को जड़ से खत्म करता है। हाँ, गॉलस्टोन में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जब 7 mm 8 mm उससे ज़्यादा अगर स्टोन हो तो मुश्किल होता है निकाल पाना, लेकिन उससे अगर कम है, खास करके 4 mm 5 mm से अगर कम है, अभी शुरुआती दौर में है अगर आपको पता चला है, तो आप हाइड्रास्टिस ले सकते हैं। मदर टिंचर में हो, पोटेंसी में हो, रिजल्ट बहुत बढ़िया था, उसको निकाल सकता है ये। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट दवा है लीवर से रिलेटेड, यहाँ तक कि कैंसर में भी बहुत बढ़िया जो रिजल्ट आता है, खास करके जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, जो भी अल्सरेटिव स्टेज में, लेटर स्टेज में कैंसर में कन्वर्ट होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जैसे आपको काली बीच में मिलेगा कि पेन एक पर्टिकुलर पॉइंट में होता है, हाइड्रास्टिस में भी उसी तरह का कंडीशन है, सिम्टम्स भी सेम टू सेम है, और ये अल्सर लेटर स्टेज में जाकर कैंसर में कन्वर्ट होता है, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जबरदस्त दर्द इसका एक पिकुलियर पॉइंट है, कैंसर स्टेज में पेन जबरदस्त होना, कैंसर जिस जगह पर कैंसर है वहां पे भयानक दर्द होता है, स्टिचिंग पेन होता है, स्विच होने जैसा दर्द, काटने जैसा दर्द, उससे आपको रिलीफ देगा ये दवा हाइड्रास्टिस। तो कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट तो है ये दवा, सर्दी के मौसम में आम इंसानों के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, नजल सिस्टम, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। लेटर स्टेज ऑफ इंफ्लेमेशन, जब सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि हमने काली आयोड में डिस्कस किया था, लेटर स्टेज ऑफ इंफ्लेमेशन मतलब बहुत दिनों से आपका 5-7 दिन तक इन्फ्लेमेशन हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया, वो हरा या फिर पीला हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाए, और इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है हाइड्रास्टिस का, जैसे आपको काली बीच में मिलेगा, म्यूकस जो है बहुत ही टफ आता है, आप ऐसे खींचोगे तो वो धागे जैसा वो खींचेगा, बहुत ही टेनासियस मतलब गोंद जैसा चिपका हुआ वो म्यूकस आता है, और वलगम जो है पीला या फिर हरा आ सकता है, लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसमें आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जान लेते हैं, ये मोटा मोटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ, अभी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस दवा को डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए, देखेंगे सर्दी के मौसम में ही नहीं, पूरे साल भर आपका कोई भी नाक या पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, रेस्पॉन्ड बढ़िया आता है, एक्यूट दवा है, डीप एक्टिंग दवा है, लेकिन एक्यूट दवा है, बहुत फायदेमंद है और फटाफट काम करता है, एक्शन इसका देर नहीं लगती, तुरंत काम करता है एलोपैथिक सिस्टम की तरह। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जिसके आधार पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्लिनिकल टिप्स जो हमने यूज किया है, पेशेंट को दिया है और रिजल्ट क्विकली आया है, ट्रायल एंड टेस्टेड इफेक्टिव है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो एक्सल म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसा कि हमने कहा है म्यूकस मेम्ब्रेन शरीर में कहीं भी क्यों ना हो, ठीक है, मुंह के अंदर हो, थ्रोट में हो, यूरेथ्रा और औरतों के जो बुल्बा एरिया है, जो कोई भी जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस है, जो भी सरफेस म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर है, वहां पर अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है और वहां पर जो लाल सिक्रेशन होता है या फिर वलगम आता है वो हरा या फिर पीला हो, लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यहाँ तक कि ल्यूकोरिया में भी दिया जाता है, ठीक है, तो उस तरह के कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी जुकाम कुछ भी हो, म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट होना चाहिए और ठीक येलो रोपी सिक्रेशन, बहुत ही मोटा सिक्रेशन हो सकता है और टेनासियस, बहुत ही गोंद जैसा चिपका हुआ येलो, ठीक है, और रोपी सिक्रेशन जैसे कि मैंने कहा था धागे जैसा खींचेगा, काली बाइक्रोमिकम का ये एक अहम पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ये दो दवाई
बहुत ही स्पेसिफिक है, अगर बहुत ही धागे जैसा वो खींचता है वो वेलकम, लंबा लंबा धागा वैसे की जगह ऐसे टेनासियस, ऐसे मतलब बहुत ही चिपका हुआ, ठीक है, तो वहां पर आप इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का दवा हाइड्रास्टिस और काली बाइक्रोमिकम, ये आप डेफिनेटली याद रखना, पेशेंट बताएगा आपको, आप उसके आधार पर इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। साइनोसाइटिस आफ्टर कोरेजा, मान लो आपको सर्दी जुकाम हो गया है, आपने कोई एलोपैथिक दवा ले लिया या फिर होम्योपैथी का कोई दवा लेकर उसको सप्रेस कर दिया तुरंत, तो वो नाक के पीछे जो साइनस है, नजल साइनस हो या फिर फ्रंटल साइनस हो, वहां पर जाकर जम जाएगा वो वेलकम, पीला हो जाएगा, बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा और वहां पर चिपक जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, दर्द होगा कभी कभी, ये साइनस एरिया में आपको पता होगा कि सर्दी हुआ था, आपने दवा ले लिया, नाक बंद हो गया, बहना जो पानी बहना वो बंद होने के बाद वहां पर दर्द होने लगता है, इट्स ऑल ड्यू टू साइनसाइटिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो साइनसाइटिस प्रॉब्लम के कारण अगर आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स होता है तो आप हाइड्रास्टिस और काली बीच, काली आयोड, ये सब दवाएं उसके आधार पर आते हैं। ये दवा स्पेसिफिक है, बहुत क्विकली काम करता है, ठीक है। यूस्टाचिन ट्यूब कट रहा है, कान में भी उसी तरह का सर्दी आपको लग गया है और कान में भयानक दर्द होता है, वहां पर पानी पानी रिस सकता है, येलोइस थोड़ा पानी निकल सकता है, दर्द होने लगता है, जैसे कि आपको हिपरसल्फ में मिलेगा, ठीक है, टेल्यूरियम, हिपरसल्फ, ये सब दवाएं आती है यूस्टाचिन ट्यूब कटरा में, काली भी और भी दिया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रास्टिस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है जिसमें ये तमाम सिम्टम्स आते हैं। यूस्टाचिन ट्यूब, दोनों कान को कनेक्ट किया हुआ एक ट्यूब है, उसको यूस्टाचिन ट्यूब बोलते हैं, तो उसके अंदर वेलकम जम जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, जैसे नाक में होता है वहां पर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में कान में दर्द होता है, पानी बहने लगता है और वो दर्द कभी कभी सर में भी जाता है, तो सर दर्द भी होने लगता है, इस तरह के कंडीशन में हाइड्रास्टिस बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। नोज, अगर नाक की बात करें, नजल सिक्रेशन जो है वो मोटा भी हो सकता है, टफ, या फिर वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, जैसे हमने कहा लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन उसमें भी हम दे सकते हैं, और स्टार्टिंग स्टेज में वाटरी एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज, जैसे आपको काली आयोड में हमने डिस्कस किया था, नेट्रोम्यूर में भी है, एलियम सेपा, यूफ्रेसिया, इन सब में मिलेगा। यहां पर नाक से जो पानी बहता है वाटरी डिस्चार्ज एक्सकोरिएटिंग होता है, वैसे यूफ्रेसिया में आंख से जो आता है वो एक्सकोरिएटिंग होता है, एलियम सेपा ठीक है उसका ऑपोजिट है और इसके जैसा है, हाइड्रास्टिस और एलियम सेपा लगभग सेम है, नाक से जो पानी बहता है वो एक्सकोरिएटिंग मतलब एसिड जैसा होता है और वो वहां पर इरोजन पैदा करता है, वहां लाल पड़ जाता है, वो घाव हो जाता है उस जगह पर, ठीक है। तो ये आप चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रास्टिस का, इस सीजन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है और आपके ये तमाम प्रॉब्लम को फटाफट रिलीफ करेगा। सेप्टम अल्सरेशन, ये एक सिफिलिटिक एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, जैसे काली बीच है यहां पर भी सेप्टम है, नाजल सेप्टम, दोनों बीच का जो हड्डी है वहां पर कंटिन्यूसली अगर सर्दी जुकाम हो तो वो जगह घाव हो जाता है, कभी कभी वो जगह पर छेद भी हो जाता है, इस तरह की कंडीशन है, तो उसको भरने का काम करता है ये दवा, और काली बीच भी आप दे सकते हैं ऑल्टरनेट करके, रिजल्ट बहुत क्विकली आता है, बढ़िया आता है। इसका एलोपैथिक सिस्टम में कोई दवा नहीं है दोस्तों, आप इसको याद रख लेंगे, डेफिनेटली हम घर में ला कर रखिए, सर्दी जुकाम अगर आपको बार बार होता है और इस तरह की दिक्कत होती है तो इस दवा का इस्तेमाल करें, रिजल्ट क्विकली आएगा, ठीक है। ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक अहम डिजीज है जो इस सीजन में क्या पूरे साल भर लोगों को होता रहता है, और जब भी लेटर स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, खास करके ओल्ड एज में, 40 के उम्र के बाद अगर किसी को होता है ओल्ड एज उम्र में, या फिर बहुत ज़्यादा वीक है, कैकेक्टिक है, बहुत ज़्यादा फैटिक है, दुबला पतला रहता है, तो उस तरह के कंडीशंस के लिए जो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियल अस्थमा के साथ जब खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस तरह के कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट क्विकली आता है, ठीक है। तो ये जो दवा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके जीआई ट्रैक में, जीआई ट्रैक में और भी कई चीजों के लिए दिया जाता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस जो कंडीशन है वहां पर आपको दर्द होने लग, जैसे कि मैंने कहा काली बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट में दर्द होता है, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में दर्द, जहां जहां आपका अल्सरेटिव स्टेज आएगा उस जगह पे दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, स्विच ओवर जैसा दर्द होगा, वो कैंसर हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता, लेकिन अल्सरेटिव स्टेज जैसे स्टार्ट हो थोड़ा थोड़ा वहां पर आपको दर्द होने लगता, तो उसी समय अगर आप देख के इस दवा का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको वो लेटेस्ट कंडीशन झेलना नहीं पड़ेगा, उससे आपको बचा लेगा ये दवा, तो इस चीज का डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें। और एक चीज है गोइटर है, जो गलगंड रोग बोलते हैं गोइटर,
उसमें भी इस्तेमाल होता है, खास करके प्यूबर्टी, जब नए नए आप कदम रखते हैं, थोड़ा ग्रो करते हैं, जो उम्र बचपन से लेकर यंगर जनरेशन में आता है, लगभग 10 साल 15 साल के बीच जब प्यूबर्टी स्टेज में, जब सेक्सुअल उसका जो डेवलप होता है उस स्टेज में, अगर किसी को गोइटर हुआ हो या फिर प्रेगनेंसी में, महिलाओं के प्रेगनेंसी में अगर गोइटर हुआ हो तो इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया आता है। जॉन्डिस में भी इसका अव्वल जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने कहा हमारा लीवर का 5 कॉम्बिनेशन है, चेलिडोनियम, चियोनांथस, कार्डस मैरिनस, हाइड्रास्टिस एंड कालमेक, ये 5 दवा में से हाइड्रास्टिस एक इम्पॉर्टेंट दवा है। पांचों का मदर टिंचर आप 5-5 बूंद मिला लीजिए, टोटल 25 बूंद हुआ, दिन में 2-3 बार दीजिए, आधा कप पानी में मिलाकर, ये लंबे समय तक 15-20 दिन देकर, फिर 10-15 दिन गैप करिए, फिर 15 दिन दीजिए, ऐसे करके देंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। लीवर का कोई भी प्रॉब्लम हो, जॉन्डिस हो, गल स्टोन हो, जैसे कि मैंने कहा 5-7 mm से कम, उसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है, तो ये चीज़ों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीवर का कोई भी हेपाटाइटिस हो और भी कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना हो, हाइड्रास्टिस बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है, लीवर को रीजुबिनेट करता है, अगर आपका नष्ट हो गया है लीवर सेल्स तो उसको रीजुबिनेट करने का भी काम करता है और आपकी जान बचा लेता है। लीवर अगर एक बार खराब हो गया है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उसको बचाने का काम करता है ये दवा, लीवर के लिए अमृत है, ठीक है, इस चीज़ का इस्तेमाल करें। और कमर दर्द में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, खास करके सर्दी के मौसम में, जब आप सुबह उठते हैं या फिर कभी भी आप अगर सर्दी के एक्सपोजर में हो, कमर दर्द बहुत होता है, स्टिफनेस आ जाती है, किसी जगह पर आप बैठे हो तो खुद ब खुद आप उठ नहीं पाते, ठीक है, हाथ लगाकर उसको आप उस हाथों के बल उठना पड़ता है। इस तरह से आपने महसूस किया होगा कि पेशेंट बोलेगा कि आपने देखा होगा कि हाँ मैं कहीं पर भी बैठ जाऊँ तो मैं खुद ब खुद उठ नहीं पाता, मुझे हाथ में बीच में जो उसको सपोर्ट देकर फिर उठना पड़ता है, तो इस तरह का अगर बोले पेशेंट तो हाइड्रास्टिस आप इस्तेमाल करें, देखेंगे रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। और पोटेंसी के बारे में बता देता हूँ, आमतौर पर तो जो इनक्यूरेबल केसेस है, मतलब क्रॉनिक केसेस है, वहाँ पर मदर टिंचर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ये सर्दी का जो चीज़ है या फिर रेस्पिरेटरी नज़ल प्रॉब्लम के लिए 30 भी यूज़ होता है, बहुत कोई काम करता है, आप इसको रिपीट करके दे सकते हैं, हर 15-15 मिनट आधे घंटे में रिपीट करिए, जो एक्यूट कंडीशन है उसको तुरंत रिलीफ करेगा। पेन में, गैस्ट्रिक पेन में मदर टिंचर तो यूज़ होता है, उसके साथ पोटेंसी भी आप दे सकते हैं, तो मदर टिंचर 20 बूंद दिन में 2-3 बार देने के बाद पानी में, फिर 4-5 दिन फिर पोटेंसी में कन्वर्ट कर लेना, 30 पोटेंसी दिन में 2-3 बार 4 बार तक दे सकते हैं, 3-4 बूंद डायरेक्टली जीप पे पोटेंसी फॉर्म में, मदर टिंचर को पानी में मिलाना, पोटेंसी फॉर्म 3-4 बूंद डायरेक्टली जीप में दीजिए, ये 7-8 दिन 10 दिन तक आप दे सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए दवा बंद कर देना, ये हर एक दवा का स्पेसिफिक फंडामेंटल पॉइंट है। कंडीशन में इंप्रूवमेंट आया दवा बंद कर देना या फिर डोज में कम कर देना, अगर सेम टू सेम आप चलाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कमने के कारण उसके जगह पर अब वो बढ़ सकता है, तो उस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, जैसे कंडीशन में आराम हो दवा बंद कर देना या फिर उसका जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देना और डोज कम कर देना, बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइड्रास्टिस का, इसको ख्याल रखें। और पोटेंसी भी मैंने बता दिया है कैसे लेना है, अगर फिर भी कुछ डाउट है आप कॉमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही बड़े बड़े वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। और होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मैं इसमें दे रहा हूं, दोनों चैनल्स हैं डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी और डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल, हमारा शॉर्ट वीडियोस का भी एक चैनल है, उसमें थोड़ा कभी कभी लॉन्ग वीडियोस भी पोस्ट होता है डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, उसको भी आप देख लें, विजिट कर लें, अगर अच्छा लगे डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।